नमस्कार दोस्तों, अभी आ चुका हूँ प्रयागराज के झूसी रेलवे स्टेशन पर है हम लोग, जहाँ पे लाई चना की दुकान लगती है, यहीं पे खड़े अभी हम लोग। तो दोस्तों, झूसी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है और बहुत तेज विस्तार हो रहा है झूसी रेलवे स्टेशन। और यहाँ से जहाँ से पुलिस चौकी की तरफ से आप लोग जाने लगेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों टिकट काउंटर वगैरह, रैन बसेरा वगैरह बन रहा है। और हमारे साथ दीपक भाई जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आइए भाई, और ये बताएंगे दीपक भाई यहाँ के बारे में, जो कि यही इनकी दुकान यही है, अगर आए तो लाई चना भी खाएं। दीपक भाई, यहाँ पे जो काम चल रहा है, जो क्या काम चल रहा है जो सर? यहाँ का काम वो जो टिकट बन रहा है, लैट्रीन है, हाँ, बाथरूम है, हाँ, हाँ, नहाने धोने की भी सुविधा अच्छी है, और मेला जो सुविधा होती है, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पर सुविधा अच्छा, रहने के लिए अपना अच्छे से सुरक्षित रहेंगे, यहाँ पुलिस प्रशासन भी रहेगा, उनका चोरी चमारी नहीं होगा सर, और पूरी अच्छे से रह सकते हैं, यानी कि रहने का व्यवस्था पूरा, और उसके बाद शौचालय और आरपीएफ वगैरह सब सारी, सब रहेंगे, टिकट काउंटर भी रहेगा। तो दोस्तों, टिकट काउंटर सब कुछ बनेगा। आइए फिर बैक कैमरे दिखाते हैं। और चलने से पहले दोस्तों, आप लोग अगर नहीं जानते होंगे, जान लीजिए, कुछ लोग तो जानते होंगे, यहाँ पे इनकी दुकान बहुत पुरानी लगती है, 200 साल पुरानी इनकी दुकान लगती है, लाई चना दुकान। देखिए, ये इनकी दुकान है, आगे झूसी स्टेशन है। और आइए फिर पूरा व्यू कराते हैं यहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है। और दीपक भाई के लिए एक लाइक करिए, आइए लाई चना खाइए। क्या हो गया दीपक भाई? थैंक यू सर। हाँ, तो आइए दोस्तों चलते हैं, हम लोग देखते हैं बैक कैमरे से कि यहाँ पे क्या क्या रीडेवलपमेंट यानी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है झूसी रेलवे स्टेशन के पहले। और बराबर वीडियो आप सब तक पहुँचती रहती है, रेलवे लाइन दोहरीकरण का, प्लेटफार्म रीडेवलपमेंट का। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही दिखाएंगे कि टिकट घर वगैरह यहाँ पे बन रहे हैं, तो यही सब व्यू कराएंगे आप लोगों को कि कितना काम हुआ है, क्या क्या झूसी रेलवे स्टेशन के पहले डेवलप चल रहा है। तो आइए बैक कैमरे से हम लोग देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, इधर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखिए, एक बिल्डिंग इधर भी बन रही है इधर, और ये इधर देखिए बन रहा है इधर, जहाँ पे बगीचा वगैरह था पहले, यहाँ पे देखिए, जो कि 2025 जो कि महाकुंभ लगने वाला है, उसी के दौरान यहाँ पे तैयारी चल रहा है, देख पा रहे होंगे। देखिए पूरा यहाँ पे क्लीन कर दिया गया है इस तरफ, देखिए यही टिकट काउंटर वगैरह, रैन बसेरा वगैरह यहाँ पे बन रहा, देख पा रहे होंगे दोस्तों। इधर देखिए, ये देखिए यात्रियों के सुविधा के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है। इधर भी देखिए एक बिल्डिंग बन रही, इधर भी ये देख पा रहे होंगे दोस्तों। और इधर सामने देखिए झूसी रेलवे स्टेशन है इधर, और स्टेशन पे भी रैंप का काम चल रहा है, इधर रैंप भी बनाया जा रहा है। और देखते हैं इधर कितना काम हुआ है रैंप का। देखिए इधर रैंप का काम ये चल रहा है अभी, देखिए जूम करता हूँ, देखिएगा आप लोग, ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे। और सामने झूसी रेलवे स्टेशन रहा दोस्तों, और उधर भी बिल्डिंग बन रहा है, और ये वही रोड है जो पुलिस चौकी पर जाती है, आगे वहाँ पे पुलिस चौकी है, और जो कि कॉलोनियाँ वगैरह हैं, वहाँ से आपको वाराणसी प्रयागराज के लिए साधन भी मिल जाएगा देखिए। और एक नंबर प्लेटफार्म उस तरफ है, और इधर हम लोग 3 नंबर 4 नंबर की तरफ थे। और उधर भी काम चल रहा है, उधर भी रैंप का काम वहाँ पे भी चल रहा है, देखिएगा जूम करता हूँ, देखिए पूर्वी की तरफ यानी कि वाराणसी की तरफ, देखिए झूसी स्टेशन का पूर्वी की तरफ, उधर भी रैंप का काम चल रहा है। और इधर भी देखिए, इधर भी बिल्डिंगें बन रही हैं इधर सामने। और आइए इधर से भी देखते हैं हम लोग, देखिए वहाँ पे भी काम चल रहा है, ये जूम कर रहा हूँ, देखिए देख पा रहे होंगे। इसके पहले दोस्तों यहाँ पे पूरा खाली था, इधर भी खाली था, और इधर भी पूरा खाली था, देखिए बहुत तेज़ डेवलप हो रहा है दोस्तों झूसी रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों जैसा भी होगा, यहाँ का पल पल का अपडेट आप सब तक हम पहुँचाते रहेंगे, क्या क्या काम चल रहा है क्या नहीं। और सामने देखिए जेसीबी वगैरह सब लगी हुई हैं, ट्रैक्टर लगा हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, काम लगातार चल रहा है। देखिए ये सब जो पेड़ हैं, देखते हैं कि कटाई होता है रहता है, वैसे ना कटे तो बहुत ही अच्छा रहेगा पर्यावरण के लिए, हम लोगों के लिए, देख पा रहे होंगे। जितना काम जैसे हो सके तो किया जाए, पेड़ वगैरह ना काटा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।